हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 11th का कुछ प्रॉब्लम पर, जो कि 11th स्कूल का जो टेस्ट होती है उसके लिए जो है सो इस टाइप का क्वेश्चन को देखना जरूरी है। तो देखिए, इसमें जो है सो ये कहता है कि क्लासिफिकेशन क्लासिफाई द फॉलोइंग सबस्टांस इनटू एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। या आपको कह रहा है कि ये जो दिया गया है, जो कंपाउंड जो दिया गया है, मतलब ये जो सबस्टांस जो दिया गया है, इसमें आपको एलिमेंट्स बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट्स होगा, कंपाउंड बताना है और मिक्सचर बताना है। यानी ये जो सबस्टांस है, इस सबस्टांस में ये जितने भी 10 एग्जांपल्स दिए गए हैं, इस एग्जांपल्स में आपको बताना है कि कौन कौन से एग्जांपल जो है आपको एलिमेंट्स है, कौन कौन सा एग्जाम्पल कंपाउंड है और कौन कौन सा एग्जाम्पल जो है मिक्सचर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबस्टांस, यहाँ पर सबस्टांस है। अब ये जो सॉल्यूशन जो यहां से लिखेंगे इसका, ये सॉल्यूशन में इस सबस्टांसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इधर जो है सो ले लेंगे एलिमेंट्स, ये सिंपल होगा एलिमेंट्स। इसके बाद यहां ले लेंगे कंपाउंड्स, कंपाउंड्स और उसके बाद मिक्सचर। ये 3 पार्ट में इसको मैं इस तरह से लिख दिया। अब इसमें जो है सो इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से एग्जाम्पल जो है सो एलिमेंट का होगा और कौन से कंपाउंड का होगा और कौन से एग्जाम्पल जो है वो आपको मिक्सचर होगा। तो देखिए, इसमें जो है एक डायमंड है और दूसरा जो है ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों जो है सो आपको क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। तो यहां से लिखेंगे डायमंड, ये हो गया डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये दोनों जो होगा वह आपका एलिमेंट है, ठीक है। यह ग्रेफाइट और डायमंड जो है आपका एलिमेंट। उसके बाद जो है सो मिक्सर की बात करते हैं, उसके बाद फिर कंपाउंड देखेंगे। तो ये जो मिक्सर का एग्जांपल जो है, इस मिक्सर में आप देख सकते हैं एयर जो है मिक्सर होगा, एलपीजी मिक्सर होगा। तो यहां से लिखेंगे एयर एलपीजी, उसके बाद एयर एलपीजी और देखिए स्टील, स्टील भी मिक्सर ही होता है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर गलत होने की संभावना है। स्टील, उसके बाद जो है और हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखिए एयर हो गया, एलपीजी हो गया और स्टील, और उसके बाद जो है स्मोक। ये सभी का सभी क्या होगा, मिक्सर होगा। लेकिन अब जो बचा वो सभी का सभी जो है सो कंपाउंड्स होंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसका कंपाउंड्स का एग्जांपल, देख सकते हैं, लिखेंगे। अब एग्जांपल को यहां से देख लीजिए, देखिए एयर और डायमंड, ये दोनों तो पता चल गया हमको कि एयर जो आपको मिक्सर है, डायमंड क्या है, एलिमेंट है। एलपीजी देख लीजिए, एलपीजी मिक्सर है, इसका मतलब है कि एक ड्राई आइस, यहां से लिखेंगे ड्राई आइस, ये कंपाउंड होगा। और ड्राई आइस के बाद देखिए ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या है, एलिमेंट्स है। अब ऐसे स्थिति में ग्रेफाइट के बाद स्टील, स्टील भी देख लीजिए आपको क्या हो गया, मिक्सचर है। मार्बल, तो यहां से नेक्स्ट इसका एग्जांपल मार्बल, ठीक है। अब मार्बल के बाद देख लीजिए स्मोक, स्मोक जैसे क्या आपका है, मिक्सचर। ग्लूकोज, यहां से ग्लूकोज आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है, ग्लूकोज कंपाउंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। तो इस तरह से जो है आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से कभी कभी जो है सो क्या होता है कि यहाँ पर गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाता है, ज्यादा इधर आ जाता है। जैसे डायमंड को कहीं कहीं पर हम लोग कंपाउंड लिख देते हैं, लेकिन उसको जो है कंपाउंड नहीं होता, एलिमेंट होता है। इसमें जो है सो ये कार्बन का ही बना हुआ होता है और कार्बन का इसका जो है, यानी कार्बन जो होता है वो कार्बन का ही तो ये अप्रूफ है, और उसी कार्बन के अप्रूफ में जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, ये सब इसी का जो है सो एग्जाम्पल बनता है, यानी एलिमेंट का ही। तो इस तरह से जो है इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग देखते चलेंगे कि जो इस टाइप से जो क्वेश्चन आपको स्कूल की एग्जाम जो होती है उसमें जो है सो आपसे पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी जो है सो यही क्वेश्चन नीट में भी आपको दे देता है, कहीं कहीं पर जो है सो आपको जेई में भी इस टाइप का प्रॉब्लम को डाल देता है।
क्योंकि बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन यही सिंपल जो है सो एरर करवाने के पॉसिबिलिटी को ज्यादा रखता है। तो यानी इस तरह से इसको ध्यान देंगे, इसके बाद फिर इसी टाइप के प्रॉब्लम पर फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।